हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पौष माह में जो सूर्य नारायण के हम व्रत करते हैं रविवार के दिन, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। पौष महीने में सूर्य पूजा का खास महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस माह में सूर्य भगवान की पूजा करने से मन चाहा फल मिलता है। हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष माह कहा जाता है। मान्यता है कि इस महीने में सूर्य भगवान अपनी 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और उत्तम सेहत प्रदान करते हैं। पौष माह में सूर्य देव की उपासना करने से उत्तम सेहत बनी रहती है। तो पौष माह के प्रत्येक रविवार को सूर्य देव की आराधना करके इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वो भी बोली, बच्चे नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देवी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मानेगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीना एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। नायन नहलाने आती, वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते, उसको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं अपनी बेटी को नहला लूंगी। वो नहलाने लगी, बच्ची हंसे तो हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए हैं। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा बेटी से शादी करने के लिए, उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि सासू माँ सुबह सुबह इसलिए इसका मुंह देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई जी को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासूबाई को लाके दे दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए, अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठा हुआ। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था, और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो मेरे किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने चली गई। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, बोलो सूरज भगवान की जय।